ये जो बला है ना, इसने घर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मियां बीवी का ताल्लुक कमजोर, बहन बहनों का ताल्लुक कमजोर, औलाद माँ बाप का ताल्लुक कमजोर। छोटे छोटे बच्चे टैब पे बैठे हुए हैं, माँ अपने ड्रामा देख रही, बच्चा अपना देख रहा, बच्चे अपनी देख रहे, अब्बा आप देख रहा। एक छत के नीचे गुम, छह बर्रे आजम छह इंच की मशीन की स्क्रीन में, और एक कमरे में बैठकर एक दूसरे से कोसों दूर हो गए। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को यूं कर लिया और रिश्तों को यूं कर दिया। हमारे फैसलाबाद में एक स्कूल टीचर थी, वो पर्चा चेक कर रही थी तो रोने लगी। तो उनके मियां ने पूछा क्यों रो रही हो, तो उन्होंने पर्चा आगे कर दिया। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे ने लिखा आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन। और आगे लिखा कि मैं ये देखता हूं कि मेरी मां मुझे अहमियत नहीं देती जितनी फोन को अहमियत देती। जब मैं बात करता हूं तो वो फोन देखती रहती है, मेरी सुनती नहीं है, मुझे डांट देती है। तो काश मैं फोन ही होता, कम अज कम मां की तवज्जो तो लेता। तो उनके मियां ने पूछा तो तुम रो क्यों रही हो? कहा ये तेरा मेरा बेटा है जिसने ये लिखा है। अपनी औलाद को इज्जत दो, इज्जत दो। नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, जब हजरत फातिमा घर में एंटर होती थी, वो दरवाजा ये बैठे हुए तो आप बैठे नहीं, खड़े हो जाते और खड़े नहीं रहते थे, दौड़ के आगे जाते थे और ऐसे हाथ पकड़ लेते थे, हाथ चूमते थे और पकड़े पकड़े लाकर कुर्सी पे या चारपाई पे बिठाते थे, उसके बाद खुद बैठते थे। ये इज्जत आपने अपनी औलाद को दी तो वो इज्जत वापस आई। माँ, ये माएं बैठी हैं डांट डपट। इसने अभी, मैं दोस्त के घर गया तो उसके बच्चे को मैं ऐसे ना मिलके बोसा दे के निकला, तो उसने अपनी माँ को फोन किया, मेरे बाप ने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया, आज मौलाना ने मुझे बोसा दिया। तो मेरे नबी का एक खूबसूरत पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो अखलाक सीखो बच्चों, वो अखलाक सीखो। मोहब्बत, उल्फत, दरगुजर, माफ करना, गाली से बचना, नफरत से बचना। नियत करते हो